अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 12 बायोकेमिस्ट्री का। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे प्रोटीन की डेफिनेशन, उसके फंक्शन, तो उसका सारा स्ट्रक्चर डिटेल में। आज हम लोगों ने पढ़नी है उसकी क्लासिफिकेशन डिटेल में, कि प्रोटीन को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, पेज नंबर 23 पे आज वहाँ से हम लोग रीड कर लेते हैं। प्रोटीन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन क्लासेस, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड प्रोटीन्स या ड्राइव्ड प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन को तीन बुनियादी क्लासेस में डिवाइड किया गया। कौन सी? सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसका सेकंड नेम क्या है, कंपाउंड प्रोटीन या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और तीसरी क्लासिफिकेशन क्या है, ड्राइव्ड प्रोटीन। ठीक है, ये तीन क्लासिफिकेशन हमने प्रोटीन की करनी है। क्लासिफिकेशन खास तौर पे हम लोग जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स की करते हैं वो तकरीबन यही होती है। जिस तरह हमने लिपिड्स की प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की थी, वो भी यही थी कि सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड, ड्राइव्ड लिपिड। ठीक है ना, आप लोगों को समझ आ गई है ना कि ये तीन क्लासिफिकेशन होती है, सिंपल, कॉन्जुगेटेड, ड्राइव्ड। आगे डिपेंड करता है कि मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा, लिपिड्स है या प्रोटीन है या कोई और है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 24 पे हम वन बाय वन इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ये कौन कौन सी प्रोटीन है, किस बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया और इन तीनों में क्या फर्क है। ठीक है, सिंपल प्रोटीन, ऑन हाइड्रोलिसिस दीस प्रोटीन यील्ड ओनली अमीनो एसिड्स ऑन देयर डेरिवेटिव्स। जब इस प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जिसको हम लोग पानी के साथ तोड़ें, जिसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, वो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स या उसी के डेरिवेटिव्स दे, तो ऐसी प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल प्रोटीन। डेरिवेटिव्स अमीनो एसिड के वो जो कि जिसमें अमीनो एसिड मेजर कंपोनेंट हो, इसके अलावा दूसरे जैसे साइड रिएक्शन, दूसरे आर ग्रुप अटैच हों, वो भी अमीनो एसिड ही कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, ऐसी प्रोटीन जिसको हम लोग पानी के साथ थोड़े, जिसकी हम हाइड्रोलिसिस करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड या उसके डेरिवेटिव्स दें, तो ऐसे प्रोटीन को क्या कहते हैं, सिंपल प्रोटीन। उसके बाद बात करते हैं कॉन्जुगेट प्रोटीन की। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंपल प्रोटीन्स कंबाइंड विद अ नॉन प्रोटीशनस सब्सटेंस। दी नॉन प्रोटीशनस सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप और अ कोफैक्टर। अब ऐसी प्रोटीन जिसमें प्रोटीन पार्ट तो हो, अमीनो एसिड्स तो हो, लेकिन उसके अंदर नॉन प्रोटीन सब्सटेंस भी हो, नॉन प्रोटीन पर पार्ट भी हो, ऐसा पार्ट जो प्रोटीन पर मुश्तमिल ना हो, लिपिड का हो, कार्बोहाइड्रेट का हो या किसी और केमिकल का हो, तो ऐसे ऐसे प्रोटीन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन, कम्प्लेक्स प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जिसमें प्रोटीन भी हो और नॉन प्रोटीन सब्सटेंस भी हो, ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटीन का ना बना हो, जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है, नॉन प्रोटीन पार्ट जो प्रोटीन की नहीं होती, इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं या कोफैक्टर भी कहते हैं। ये सारा एंजाइम के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोफैक्टर किसे कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप किसे कहते हैं, ये डिटेल में आप लोगों ने मैट्रिक में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की समझ आ गई है ना, ऐसी प्रोटीन, ऐसी सिंपल प्रोटीन जिसके अंदर प्रोटीन पार्ट भी हो और नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस भी हो, ऐसी प्रोटीन को हम लोग कंपाउंड प्रोटीन या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन है ड्राइव प्रोटीन। दिस क्लास ऑफ प्रोटीन इंक्लूड सब्सटेंसेस विच आर ड्राइव फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। वी कैन से दैट दीज आर नॉट नेचुरली अकरिंग प्रोटीन एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम सिंपल प्रोटीन्स बट बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड केमिकल एजेंट्स। वो कहते हैं कि ऐसी प्रोटीन जो सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से ड्राइव्ड हो, उसको हम लोग कहते हैं ड्राइव प्रोटीन। मतलब इनको तोड़ के जो सब्सटेंसेस हासिल होते हैं, दोनों से जो चीज़ें हासिल होती हैं, वो कौन से प्रोटीन में आ जाते हैं, ड्राइव्ड प्रोटीन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती, ये दोनों होंगी तो फिर ये होगी। समझ आ गई है ना, कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती, और किस तरह से हमें ये कहाँ से हासिल होती है, वो इन दोनों के ऊपर, किन दोनों के ऊपर, सिंपल और कॉन्जुगेटेड के ऊपर, जब कोई एंजाइम रिएक्ट करेगा, जब कोई केमिकल एजेंट रिएक्ट करेंगे, तभी जाके ड्राइव प्रोटीन बनेगा। जब एंजाइम या केमिकल एजेंट रिएक्ट करेगा, इनको तोड़ेगा, फिर जाके ड्राइव प्रोटीन इसमें से ड्राइव होगी, इसमें से निकलेगी। ठीक है, आगे आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 25 है, वहां से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स आप लोगों को पता है कि क्या है, कि अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। तो यहाँ से हम लोग रीड कर लेते हैं, अमीनो एसिड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये आप लोगों को मैं वही बात बता रही हूँ कि अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। दे फॉर्म प्रोटीन बाय केमिकल बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। अब ये प्रोटीन बनाते हैं एक बॉन्डिंग करके, एक बायोकेमिकल बॉन्ड बनाते हैं अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर, अमीनो एसिड मिलकर एक बॉन्डिंग बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। जब वो बॉन्ड बना के चेन या हेलिक्स या कुछ और भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो मिलकर क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। वेरियस नंबर ऑफ अमीनो एसिड जॉइंट्स टू वन अनदर
विद पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म प्रोटीन। अब मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो प्रोटीन बना देता है। ऊपर मैं आप लोगों को सारा को डिटेल में बता चुकी हूँ। देर आर 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड बट विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। अब अमीनो एसिड जो है 20 किस्म के, मुख्तलिफ 20 किस्म के होते हैं, लेकिन अगर उनकी जो है कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो कि वो कोई इस साइड से जुड़ा हुआ है, कोई इस साइड से जुड़ा हुआ है, कोई इस साइड से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह वो प्रोटीन भी एक दूसरे से अलग हो जाती है। अमीनो एसिड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी बट देयर प्राइमरी जॉब इज बिल्डिंग प्रोटीन। मैंने बताया था अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनका काम ये ही नहीं है बल्कि ये एनर्जी भी देते हैं, एनर्जी का एक सोर्स भी है। अमीनो एसिड एनर्जी भी हमें प्रोवाइड करते हैं। अगर ये प्रोटीन नहीं बना रहे, इन्होंने प्रोटीन नहीं बनाई और हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है अमीनो एसिड कहीं ना कहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन नहीं बना रहे हैं, तो वो एनर्जी हमें दे रहे हैं। ठीक है, सम अमीनो एसिड्स आल्सो फिल नॉन प्रोटीन बिल्डिंग रोल्स सच एज फॉर्मिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स। इसके अलावा कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी हैं जो प्रोटीन नहीं बनाते बल्कि नॉन प्रोटीनियस जो उनसे रोल्स बिल्डिंग रोल्स बनाते हैं, मतलब प्रोटीन जिसमें ना हो, ऐसी चीज़ें जिनमें प्रोटीन ना हो वैसी चीज़ें भी बना रहे हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स। ठीक है, आगे हम लोग थोड़े से स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है। ये अमीनो एसिड का मैंने स्ट्रक्चर आगे मैंने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द अमीनो एसिड हैज़ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। वो किस तरह, इट कंटेन्ड अ सेंट्रल अल्फा कार्बन, द कार्बन अटैच विद द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अब इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, दूसरी बात ये कि ये अल्फा कार्बन पर मुश्तमिल है, ये अल्फा कार्बन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, फंक्शनल ग्रुप हमारा अमीनो एसिड के अंदर कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उस कार्बन को हम लोग क्या कह देंगे, अल्फा कार्बन कह देंगे। ठीक है, देयर इज कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट ऑन दी लेफ्ट साइड एंड एन अमीनो ग्रुप ऑन दी अदर साइड ऑफ अल्फा कार्बन। एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरी साइड पर अमीनो ग्रुप है। उसके बाद हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन विद आर ग्रुप एंड आर ग्रुप मे वेरी टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अब एक साइड पर इसका आर ग्रुप है और एक साइड पर इसका हाइड्रोजन ग्रुप है। अब ये अमीनो एसिड एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं, ये तीन चीज़ें तो हर अमीनो एसिड में पाई जाएंगी। ठीक है, ये तीन चीज़ें हर अमीनो एसिड में, एक अमीनो एसिड बनने के लिए तीन चीज़ों का होना जरूरी है। उसके अलावा अब अमीनो एसिड वेरी कैसे करेंगे, एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे होंगे, इस आर ग्रुप की वजह से, कि इसके साथ मीथेन लग सकता है, इथेन लग सकता है, प्रोपेन लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। उसके लगने से अमीनो एसिड थोड़े से डिफरेंट होते जाएंगे, एक दूसरे से डिफरेंट वेरिएशन शो करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही है। कल हम लोग आगे डिटेल में अमीनो एसिड्स की टाइप्स पढ़ेंगे, उसकी काउंटिंग्स वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।